सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योगी और आप देख रहे हैं YT व्लॉग्स। आशा करता हूँ आप लोग हेल्दी और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि मोटो व्लॉग किया जाए और आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने। हम जा रहे हैं एक हिडन प्लेस पे। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे बोला कि भाई कहीं चलते हैं। उसने कहा कि भाई एक अच्छी प्लेस है, वहाँ से देहरादून व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है और वहीं चलते हैं। तो मैंने सोचा चलते हैं फिर आज। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी प्लेस पे और बहुत अच्छे नज़ारे हैं वहाँ के। तो अभी हमें आर्यन मिश्रा आगे से ज्वाइन करेंगे और आज मेरे साथ चल रहे हैं कातिल, आर्यन मिश्रा और एक मेरा फ्रेंड है, मैं उससे आपको आगे मिलवाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और आर्यन मिश्रा के घर पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए हमारे राइडर बिल्कुल आ चुके हैं बाहर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आर्यन ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो आर्यन। तो कातिल ने फैसला लिया है कि हम आर्यन के साथ बैठेंगे, तो चलते हैं आज। सो आगे हमें मिलेगा हमारा फ्रेंड संस्कार, यहीं आगे पे मैंने उसे बुलाया था। तो आगे पे उसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। आपको ऐसी लोकेशन दिखाएंगे और वहाँ से लेंगे ड्रोन शॉट। आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमें शायद यहाँ पे मिलेंगे, वो खड़े हैं दोनों। तो ये रहे संस्कार, कैसा है, क्या हाल है, चले। तो चल रहे हैं अपनी राइड पे आगे। ये देखिए लॉन्डे बिल्कुल हैंड शेक करते हुए। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं 6 नंबर पुलिया। सुबह लोग काफ़ी वॉक पे भी जाते हैं, पहले हम भी जाया करते थे बट अब आदत छूट गई है क्योंकि रात 1-2 बजे तक तो एडिटिंग ही करनी पड़ती है। तो चलते हैं हम सहस्त्रधारा, फिर आपको दिखाते हैं आगे। धूल काफ़ी है सुबह सुबह भी क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, तो धूल काफ़ी है। और यहां से हम एक शॉर्टकट लेंगे आगे। वैसे बैंड घूम के भी जाता है बट हम यहां से एक शॉर्टकट लेंगे। तो ये रहा वो शॉर्टकट यहां से अंदर। और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। तो अभी आगे से लीड कर रहे हैं संस्कार क्योंकि उन्हीं को लोकेशन पता है, तो वो आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और यहां से हमें राइट मुड़ना है सहस्त्रधारा के लिए। तो इंडिकेटर दे दिया है सबने और निकलते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ से हमें आगे जाना है। हमें यहाँ से मुड़ना है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेफ्ट।
ये है चालंग मार्ग, चालंग मार्ग पे मुड़ना है। और ये देखिए पीछे हमारे व्यू काफ़ी अच्छा है, तो इस रूट से हमें जाना है आगे और उसके बाद पहुंचेंगे हम थोड़ी देर में अपनी लोकेशन पे और वहां से आपको दिखाएंगे पूरे नज़ारे। तो ये आगे चल रहे हैं और मैंने फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो चल रहे हैं फिर आगे। ये है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, देखिए पानी पानी हो रखा है और देखिए आप इस रूट पे आपको आना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है चढ़ाई ये लोकेशन शायद बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये लोकेशन पहले से पता थी या आप जानते थे इस लोकेशन के बारे में तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और रास्ता थोड़ा ख़राब है और यहाँ से नीचे जाना है और पीछे आर्यन लोग आ रहे थे, कहाँ पहुँचे, आ गए हैं। और ये देखिए पतली सी सड़क, और यहाँ पे हमें पार्क करनी है। तो पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है और हम यहाँ से जाएंगे ऊपर और वहाँ से उड़ाएंगे ड्रोन, तो आपको पूरा देहरादून दिखाएंगे वहाँ से। आज मैं पूरा राइडिंग जैकेट पहन के आया हूँ और कातिल हमारे बिल्कुल सीधे साधे बच्चे और आर्यन वहाँ पे बैठे हैं और हम देख रहे हैं कहाँ से ड्रोन उड़ाना सही रहेगा, कहाँ से ज़्यादा प्यारा व्यू आएगा। तो आप लोग देखिए अभी ड्रोन शॉट, इन्जॉय द ड्रोन शॉट। तो अभी आप लोगों ने देखे ड्रोन शॉट, ये देखिए पूरा काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और अभी हमने ऑर्डर किया है थोड़ा मैगी वगैरह, तो अभी फटाफट मैगी वगैरह खाएंगे। और ये देखिए हमारे यार बैठे हुए हैं, अभी प्रकृति के मज़े लेते हुए हम, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप लोग भी ज़रूर आइए घूमने। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने पीने के लिए, तो ये देखिए और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। योगी भैया का ब्लॉग लोग पसंद करते हैं। यो गाइस, अभी हमारे संस्कार हमें सिखा रहे हैं कि कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं बहुत प्रो हूँ ऐसे मामलों में। तो काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पे आके, सुबह आए थे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप भी आइए। और काफ़ी प्यारी लोकेशन है और यहाँ पे आपको सब कुछ खाने वगैरह के लिए सब कुछ मिल जाएगा, चाउमीन वगैरह, मोमो वगैरह कुछ भी खाना है तो यहाँ पे अवेलेबल है। और अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि शिमला जैसा हाल है, शिमला में तो बहुत क्या ही बोलें, तो काफ़ी अच्छा है। और
देखिए यहाँ पे लोकेशन काफ़ी प्यारी है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। यहाँ से पूरा देहरादून भी दिख रहा है और लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में इंजॉय करने के लिए। तो आप लोग भी विजिट कीजिए, ये सहजदारा के पास में है, तो आप लोग भी आइए यहाँ। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ आके ज़रा हमें बताइए। पीसफुल, शांति एकदम। किसी को सनराइज पसंद हो तो बहुत बढ़िया सनराइज दिखता है, बस हरियाली हरियाली चारों तरफ। नो कमेंट्स गाइस। तो काफ़ी इंजॉय किया हमने और ये लोकेशन हमें संस्कार ने बताई थी, तो हमें इन्होंने बताई थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।